हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर को लेकर के आप लोगों को अच्छे से पता है क्या चल रहा है। रिजल्ट में इतनी ज्यादा गड़बड़ी जिसकी वजह से बच्चे जो है इतने परेशान हो चुके हैं। अभी आप लोग हमसे डायरेक्टली जो है ये पूछ रहे हो, बार बार पूछ रहे हो कि अभी क्या करना है, री देना है नहीं देना है। देखो, डिसाइड आगरा यूनिवर्सिटी करने वाली है, वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है तो हम कैसे आपको बता दें, पहली बात। दूसरी चीज है कि लगातार हमारी तरफ से कॉल जा रहा है, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। बट आप लोगों को करना क्या, अभी फॉर्म मत भरो। जो लोग भी यहां पर है, अभी अगर आप लोग फॉर्म भरते हो फंसोगे, क्यों मैं बता रही हूं। और दूसरी चीज है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट है बोल रहे हैं कि कॉलेज वाले पैसा मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, 1500 मांग रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम आपका फॉर्म भरेंगे और नहीं तो नहीं भरेंगे, फेल हो जाओ जाओ। कुछ नहीं सुनना है अभी, अभी सुनो मेरी बात को अच्छे से। आप लोगों को पहले तो क्लियर करवाना है कि 107 का क्या करना है, ईपीसी पेपर का क्या करना है। जो आपको कॉलेज वाले, कुछ कॉलेज बोल रहे हैं ना कि नहीं ईपीसी का एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी का, इसका भी अभी कोई इस पर जो है क्लियर स्टैंड नहीं है। यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोल रही है इस पर, चुप है यूनिवर्सिटी कि क्या ईपीसी का देंगे। अगर ईपीसी का भी एग्जाम होगा तो मोस्ट ऑफ बच्चे 3 पेपर में फेल हो रहे हैं, तो आपके रूल के अकॉर्डिंग, आपके यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग तो उनका पूरा बैक लग गया, पूरा ईयर बेकार हो गया, फिर से तो उनको 1 साल देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए अभी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा ओबीडियंट मत बनो। हाँ, ये जरूर है 107 के अलावा अगर आप लोगों का कोई पेपर है, जैसे कि चाइल्डहुड है, कंटेम्प्रेरी है, लर्निंग एंड टीचिंग है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, अगर इसमें आपका बैक लगा है, इसमें आप लोग फेल हुए तो फिर फॉर्म भरो। सिर्फ इसका है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ईपीसी पेपर को लेकर के अगर आपका 3 पेपर हो रहा है तो अभी रुकिए। जिन जिन का भी बच्चों का ईपीसी पेपर में री अगर लगा है तो अभी आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि क्लियर आ जाने दीजिए, क्लैरिटी होने दीजिए। यूनिवर्सिटी टाइम ले रही है, यहाँ पे निकाल दिया गया है डेट। अब आप लोग सोचोगे कि मैम डेट निकाल दिया गया है तो हम लोग तो भरेंगे, लेकिन ईपीसी पे स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है अभी भी। कॉलेज के बोलने से नहीं होता है, कुछ कॉलेज बोल रहे हैं कि हाँ होता है, जाके फॉर्म भर दो, कुछ कॉलेज बोल रहे कि नहीं होता है, तो कौन से कॉलेज की बात मानोगे, खुद ही बताओ। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा शांत रहो, आप तैयारी करो, आप तैयारी जो है लर्निंग एंड टीचिंग का करो, अगर उसमें लगा है चाइल्डहुड का करो, कंटेम्प्रेरी का करो, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का करो, ईपीसी को लेकर के अभी रुको, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोई आंसर नहीं दे रही है बाबू, अभी हम भी आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, जो है वही। इसी की वजह से हम वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहे कि हम क्या बताएं आपको। आप लगातार मैसेज कर रहे हो कि कुछ बता दीजिए, लेकिन नहीं है। बट यहां पर आपको फाइट करना होगा। आप ये सोच रहे हो ना कि मैम कर देंगी, कोई और कर देगा, नहीं, आप लोगों की लड़ाई है ये। हम लोग बता सकते हैं कि ये करो नहीं करो, लड़ाई तो आपकी है। री इवैल्यूएशन होता नहीं है, आप कॉपी देख नहीं सकते, आप कॉपी चेक, आप कितने मार्क्स कहां दिए गए ये आप लोगों को मिलेगा नहीं देखने को, तो फिर आप कैसे करोगे। तो इसलिए अब आप लोगों के हाथ में है ये सारी चीजें, खुद से आइए मैदान में और खुद से, ये नंबर आप लोगों को यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इस पर हम लगातार कॉल कर रहे हैं जैसे कि हमने आपको बताया है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। ये आप लोगों के नंबर हैं, अब आप लीजिए और कॉल कीजिए। जिन वैसे तो आप लोग को ये नंबर होगा ही, लेकिन आप लोग कर तो नहीं रहे होगे, सोच रहे होगे कोई और करेगा, हो जाएगा, तो अब आप इस पर आपको खुद लगना है। ईपीसी को लेकर के क्लैरिटी चाहिए। अब जैसे कुछ लोग बोले नहीं ईपीसी का एग्जाम होगा, भाई हम एक स्टूडेंट को देख करके बात नहीं कर सकते हैं ना। ईपीसी पेपर को अगर हम काउंट कर लेते हैं, जो कि काउंट नहीं होता है क्योंकि ये ईपीसी पेपर है, तो अगर हम काउंट करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं आपके 3 पेपर में फेल हो गए। अगर वो 3 पेपर में फेल हो जा रहे हैं तो उनका पूरा 1 ईयर बर्बाद, खत्म, फिर से उनको पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। तो फिर तो वो री दे नहीं सकते, तो अगर वो री नहीं दे सकते तो क्या करें फिर? फिर उसके बाद पूरे साल का तैयारी करें? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर आप बताइए कि इसमें करना क्या है। इसीलिए यूनिवर्सिटी से क्लैरिटी चाहिए। अगर बोल रहे कि ईपीसी पेपर का फॉर्म भरना है तो बोलिए आकर के कि हाँ भरना है, ईपीसी का पेपर आप भर सकते हो। देखो, रूल के अकॉर्डिंग 2 पेपर से ज्यादा में अगर आप फेल हो तो आप लोगों का पूरा साल खत्म, बर्बाद हो, आप एक्स बन चुके हो, आपको जो है फिर से सारा पढ़ना होगा। और ईपीसी पेपर को अगर हम उसमें काउंट करेंगे तो 40% रिजल्ट जो है ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो सभी बच्चे फेल। फिर तो
फिर एक साल और पढ़ो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से नंबर आप लोगों को यहां पर एक और मैं दे रही हूं। देखो नंबर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अब क्या करें, नंबर लग नहीं रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक नंबर और ले लो, और यहां पर आपको तीन नंबर है, तो आप लोगों को आप खुद लगो। आप लोग को लग रहा होगा कि मैम कुछ कर नहीं रही है, बैठी है, नहीं भाई हम लोग रियली में लगे हुए हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, क्या ही करें, हम भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि बच्चे को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं वो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, करियर के लिए सोच रहे हैं, कुछ अच्छे करने के लिए सोच रहे हैं। अगर उनसे गलती हुई है, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो आप बता दीजिए, कॉपी दिखा दीजिए कि हाँ तुमने नहीं पढ़ा था, तुम फेल हो गए। लेकिन वो ये जानते हैं कि हम लिख कर आए हैं, हम पास हैं, फिर भी हमें फेल किया गया। और दूसरा जो सोचने वाली बात है, लॉजिकल थिंकिंग अगर हम इसमें लगाते हैं, मोस्ट सारे बच्चे एक एक दो दो नंबर से कैसे फेल हो सकते हैं, सभी का एक एक दो दो नंबर से ही लग जाए भाई, 10 का लगे, 15 का लगे, समझ में आता है, 90% बच्चे एक एक दो दो नंबर से फेल, ऐसा चीज है। ठीक है, तो ये आप लोग नंबर नोट डाउन कीजिए। अब आप लोगों को भी काम में मुझे लगाना होगा, मैं क्या ही करूं, आप लोग को भी लग रहा है, लेकिन अभी फॉर्म नहीं भरो, अभी रुको, अभी डेट है ना 5 नवंबर तक का, डेट दिया गया है ना 5 या 7 नवंबर तक का डेट है, तो अभी रुक जाओ थोड़ी देर, और पहले ये काम को क्लियर होने दो। अभी जो लोग भी आगरा यूनिवर्सिटी में जाकर के बात कर सकते हैं, वो जाकर के बात कीजिए यूनिवर्सिटी में कि हमारा ईपीसी का क्या करना है। अगर वो बोलेंगे नहीं ईपीसी का भी एग्जाम देना है, तो फिर बोलो ईपीसी का एग्जाम देने पे हमारे 3 पेपर हो जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे देंगे, फिर तो हम एक्स लग गया ना हमारा, तो कैसे होगा ये, तो इसको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप लोग स्ट्रांगली साथ में आओगे, तो ईपीसी पर आप लोगों का डिसीजन आप लोगों के हक में हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि ईपीसी में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ये सब कर किया जाता है, वो एक दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अभी अभी जो है सो आपके सामने ही है, यही चीजें चल रही हैं। अभी तक ईपीसी को लेकर के कोई क्लैरिटी कुछ भी नहीं किया गया है। और अगर बच्चे उससे हमने कहा कि आप कॉलेज में पूछो, तो वहां भी मिक्स रिएक्शन आया है। कुछ बच्चे के कॉलेज वाले बोल रहे हैं हाँ देना पड़ेगा, वो भी कॉन्फिडेंटली विदाउट प्रूफ, ईपीसी पेपर का देना पड़ेगा। कुछ कॉलेज वाले ये बोल रहे नहीं आपको देना पड़ेगा, भरो, दूसरे की बातों में मत रहो, फॉर्म भर दो। और कुछ कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं होता है, जो जानकार है एक्चुअली में वो तो बोलेंगे ईपीसी का तो नहीं होता है, तो ईपीसी का तो नहीं होगा, कुछ कॉलेज ये बोल रहे हैं। तो अब हम किसी एक या दो कॉलेज के आधार पे भी करें तो कैसे करें, कैसे डिसाइड करें। पोर्टल को लेकर के भी प्रॉब्लम हो रही है, कल पोर्टल ओपन भी हुआ, हमने देखा कहीं कहीं ओपन हो रहा है बट सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो भी बंद हो जा रहा है। वहां पर भी क्लियर हमें दिखाई दे कि हाँ एक्चुअली में पोर्टल में क्या है, क्या 2 ही सब्जेक्ट लिखा है, क्या ये बता दिया गया कि हाँ 2 से 3 सब्जेक्ट में जो फेल है वो भी री दे सकते हैं, कम से कम ये भी बता दो। री देने से कोई टेंशन नहीं है, देखो री आप लोगों का इस बार जल्दी लिया जा रहा है आप लोगों के कहने की वजह से, नहीं तो ये री एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होता है। री एग्जाम आगरा यूनिवर्सिटी का अप्रैल, मार्च अप्रैल तक होता है, जाके खुद रिकॉर्ड चेक कर सकते हो और देख सकते हो। लेकिन आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, जो अपनी मेल किया है, उन सभी की वजह से री का एग्जाम जल्दी लिया जा रहा है, तो ये आप ही की वजह से हुआ, इतना इतनी सा ही जो मिला ना वो आपकी वजह से मिला है, तो री जल्दी हो रहा है, तो ये आपके फेवर में है। बट क्लियरिटी हमें ये करना है कि जो 2 से 3 पेपर में फेल है क्या वो भी फॉर्म भरेंगे, और दूसरी चीज है कि अगर जो है अगर फॉर्म भरेंगे वो लोग तो उनको जो है री देने को मिलेगा, तो फिर वो सेकेंड ईयर पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि या तो फिर ईपीसी को आप कंसिडर कीजिए, पास कीजिए, ईपीसी में कंसिडर कर दीजिए, ताकि जो बाकी मेन पेपर में जो 2 पेपर में फेल होंगे वही री देंगे, बाकी जिनका 2 से 3 पेपर में फेल हुआ है वो फिर एक्स बनेंगे। कुछ तो ऐसा नियम लाना पड़ेगा भाई, आपको बताना पड़ेगा, ये चीजें तो होती रहती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इस तरह के डिसीजन को लेना। ठीक है, तो फिलहाल आगरा यूनिवर्सिटी से यही चीजें हैं बाबू, जैसे कोई अपडेट आएगा हम बताएंगे। फॉर्म भरने को लेकर टेंशन नहीं लो, हम लोग खुद फॉर्म भर देंगे, एक बता देंगे आपको कैसे भरना है, आप खुद भर देना। अभी आप लोग मैसेज कर रहे हो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाइए जिसमें फॉर्म कैसे भरना बता दीजिए, अभी हम खुद बोल रहे हैं अभी फॉर्म नहीं भरो, क्लैरिटी आ जाने दो फिर फॉर्म भरना। तो कुछ दिन मतलब हम बोल सकते हैं कि 15 तारीख यानी कि दुर्गा पूजा चला जाए,
पूजा खत्म हो जाए, वो 14 से 15 तारीख के बाद हम लोग इस पर लगेंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां और ये सब भी चल रही होगी, तो उसके बाद हम लगेंगे। अगर बोल दिया गया कि हाँ 3 पेपर में फेल वाले भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, तो हम वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग फॉर्म भर लेना, उस इसको देख देख के भर लेना। और अगर नहीं हुआ, ईपीसी को कंसिडर कर लिया गया, तो और भी अच्छी बात है, फिर भी हम आपको फॉर्म भरने वाला प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। सो ओके, थोड़ा सा अभी इंजॉय कर लीजिए पूजा को, उसके बाद इसमें फिर हम लोग साथ में मिलके लगते हैं, लेकिन लगना आपको साथ में होगा। अभी एलएलबी वाला आपने देखा ना, सब लोग मिलके लगे तो क्या हुआ, उन लोग को ओएमआर वाला मिल गया ना परमिशन, तो ये चीजें आप लोगों के साथ भी होनी चाहिए ना, तो लगोगे साथ में तभी होगा ना। चलिए फिर मिलेंगे, कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपके बिना बोले हम लेकर के आएंगे, इस बात का ट्रस्ट रखो हमारे ऊपर, और कोई भी अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।